I'm on the outside. तो कैसे हैं आप लोग? मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं डाउनलोड PUBG मोबाइल लाइट और कैसे खेल सकते हैं उसे इंडिया में। PUBG मोबाइल लाइट, जिसका नया वर्जन अपडेट हो चुका है 0.9, और PUBG मोबाइल का भी 0.9 अपडेट आया था ठीक उसी के दो दिन बाद भी PUBG मोबाइल लाइट का ये अपडेट लॉन्च किया गया था, मगर इंडिया में तो ये आने से रही, तो अभी फिलीपींस और ब्राज़ील में ही आई है अभी तक, तो वहीं पर आती रहेगी। मगर अगर आप भी इसको खेलना चाहते हैं इंडिया में, तो आपको भी कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। वो टेक्निक्स मैं आपको आज बता रहा हूँ। जैसे पहले तो आप DNS चेंजर या फिर कोई VPN ऐप से जुगाड़ करके या कोड लगा के जो भी करते थे उससे खेलते थे। फिर बाद में जब इंडिया में इसके सर्वर्स लग गए और टेस्टिंग होने लगी, तब ये इंडिया में बिना किसी VPN DNS के चलने लगी। लेकिन अब दोबारा ये इंडिया में नहीं चलेगी, क्योंकि अभी जो ये नया अपडेट है वो सिर्फ फिलीपींस और ब्राज़ील में ही अपडेटेड हुआ है, इंडिया के सर्वर्स में ये अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। तो इसलिए अभी तक तो आप इंडिया में नहीं खेल सकते, मगर आप वही सेम पुराना तरीका DNS चेंजर ऐप यूज़ करके आप ये खेल सकते हैं आसानी से, बिना किसी डिफ़िकल्टी के भी। तो वो सब मैं आज आपको ये ट्यूटोरियल में बताऊँगा कि आपको कैसे कैसे करना है, कि कैसे आपको PUBG Lite नया वाला वर्जन डाउनलोड करना है, DNS चेंजर कहाँ से डाउनलोड करना है, कोड कहाँ से ढूंढने हैं, और एक नई बात कि आपको इसके ग्राफिक्स कैसे बनाने हैं। वैसे तो आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको सबसे कन्वीनियंट तरीका बताऊँगा। एक नई जो ऐप आई है PUBG GFX Tool Pro नाम से, ये ऐप जो कि है बहुत अच्छी है, PUBG में भी यूज़ कर सकते हो आप और PUBG Lite में भी, क्योंकि आप इससे जो है आपके ग्राफिक्स सही में इम्प्रूव होते हैं, और आप हर बार हर एक गेम के बाद इसे चेंज कर सकते हैं, और वो भी कि बिना किसी मुसीबत के या डिफ़िकल्टी के। तो ये आपकी गेम जो है आपकी गेम की रेंडरिंग ख़राब नहीं करेगी। पुराने तरीके जो होते थे डेटा फाइल वाले या फिर कोई GFX टूल PAGT यूज़ करके, उसमें लाइट के जो है अपडेट्स नहीं थे या लाइट का पुराना वर्जन होगा, सिर्फ इसी ऐप में आपको इस वर्जन का टूल मिल सकता है 0.9 लाइट, PUBG Lite। जी हाँ, तो यही ऐप है आपके लिए सही, सबसे सही तो ग्राफिक्स बढ़ाने के लिए। हाँ, तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसे डाउनलोड करेंगे, और लेकिन आप जो डाउनलोड करेंगे वो होगी .xapk एक्सटेंशन में, तो आपको उसे रीनेम करना होगा .zip में। फिर एक्सटेंड करने के बाद तो आपको पता ही है क्या करना है, ऐप और OBP लेके उसे अपनी अपनी जगह रख के गेम को ऑन करना है। चलते हैं अपने पहले ट्यूटोरियल, PUBG Lite ऐप। सिंपल वेब ब्राउज़र में जाके टाइप करना है PUBG Lite ऐप प्योर APK प्योर। सबसे पहली वेबसाइट जो आपको दिख रही है ऐप प्योर, क्लिक करें, चले जाएं उस वेबसाइट पे, और आपको सीधा सामने डाउनलोड XAPK दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एक और विंडो खुलेगी, उसमें साइज़ भी दे रखा है इस XAPK का, तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। तो लीजिए, डाउनलोड शुरू हो चुका है। अब बारी आती है DNS चेंजर ऐप की। वही प्रोसेस है, सेम टू सेम। आपको करना क्या है कि DNS चेंजर ऐप लिखना है, और ऐप प्योर से ही डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले वही आया है ऊपर, प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं चाहे तो, इसका लोगो देख सकते हैं आप, तो सेम टू सेम ही होगा। और ऐप प्योर पे तो हमेशा अपडेटेड वर्जन ही रहते हैं, इसे भी सेम प्रोसेस से डाउनलोड कर लीजिए, और फिर अगले पे बढ़ेंगे हम। अगर गाइस आपको कोई क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट। जी हाँ बिल्कुल, प्लीज़
कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ तो ये जो लिंक था, ये था PUBG GFX Tool Pro का, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में तो होगा ही, उसे लिंक में जाके डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल है बहुत। और अब बारी आती है DNS चेंजर ऐप की। इंस्टॉल करने के बाद खोलें गूगल DNS को, चेंज करके आपको लिखना, आपको सेलेक्ट करना है कस्टम DNS, फिर कोड लिखना है, और दोनों DNS 1 और 2 दोनों में सेम कोड लिखना है। कोड है 124.6.190.20। चाहे तो आप अपने खुद भी कोई भी कोड ढूंढ सकते हैं वेबसाइट से, अब बस आपको लिखना है गूगल पे जाके कि फिलीपींस DNS सर्वर, तो पहली वेबसाइट पे जाके आप कोई भी कोड ढूंढिए और लगा सकते हैं अपने आप, जो ठीक बैठे आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ PUBG GFX Tool Pro को कैसे यूज़ करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन करें, ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा गेम वर्जन, कोई भी वर्जन सेलेक्ट कर लें, वैसे तो आप लाइट खेल रहे हो तो लाइट ही करेंगे 0.9। उसके बाद ग्राफिक्स, रेजोल्यूशन, स्टाइल, FPS वगैरह वगैरह जो सेलेक्ट करना कर लीजिए, लेकिन जो सेटिंग्स मैं कर रहा हूँ वो है सिर्फ 1 GB के रैम के डिवाइस के लिए। अगर आपका डिवाइस अच्छा है तो आप इसे इससे बढ़ा सकते हैं, मगर 1 GB का है तो इतने तक ही रखिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, कमेंट ज़रूर कीजिए और वेट कीजिए मेरी अगली वीडियो का। थैंक्स।